Hi guys, I'm Priyanka and welcome to my new vlog. So आज का vlog है वो है a day in my life at IKEA. So come on, let's go. गाइस फाइनली मैं आईकिया पहुंच गई और इनकी इतनी बड़ी ब्लू कलर की बिल्डिंग देख के आप बहुत दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फाइनली आप आईकिया पहुंच गए. तो चलो आई एम वेरी एक्साइटेड, चल के देखते हैं कि यहां से मैं क्या क्या ले सकती हूँ. आ जाओ आ जाओ. सो गाइस आईकिया पहुंचते ही मुझे मिल गया है आईकिया का मैप जो देख रहे हैं. उप्स कितना 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 बड़ा मैप है, इतना सारा घूमना है गाइस. सो गाइस फर्स्ट फ्लोर पे आते ही पता है सबसे पहले क्या दिखी है मुझे, ये देखो एकदम कलरफुल सी स्पून. एंड पता है कितने की, सिर्फ 19 रुपये की पूरा पैकेट है. मुझे पता लग रहा है कि 3-4 पैकेट तो मैं ले ही लूँ. चलो पहले एक तो रख लेती हूँ, वैसे एक और रख लेती हूँ, बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे. चलो चलो आगे चलो आ जाओ. वैसे गाइस आपको रेड कलर पसंद है या मस्टर्ड? वैसे पता है आईकिया के अंदर प्राइसेस बड़ी कॉम्पिटेटिव होती हैं, बट एक चीज़ देखिए तो मेरा पूरा का पूरा सर ही घूम गया. देखो देखो गाइस यहाँ पे है दो एकदम, ये देखिए आइडेंटिकल स्टूल. ये है रेड कलर का स्टूल और ये है मस्टर्ड कलर का स्टूल, बट प्राइसिंग में देख रहे कितना फर्क है. रेड कलर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 3000 का और मस्टर्ड कलर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपये का. यार मतलब सिर्फ कपड़े का रंग अलग है और इतना प्राइस में डिफरेंस. अगर मुझे लेना होता ना, मैं चुपचाप से रेड कलर ले लेती, सस्ता भी है और मेरा फेवरेट कलर भी है. चलो ये तो मुझे नहीं लेना, आगे देखते हैं क्या ले सकते हैं आज. सो गाइस चलते चलते देखिए कितने कलरफुल से आर्टिफिशियल फ्लावर्स दिखे, असली नहीं है, नकली है, नकली. और ये देखिए ये हैं तो 600 रुपये के, बट अब सेल है ना तो मुझे पड़ेंगे सिर्फ 300 रुपये के. और फ्लावर्स तो है ही, उसके साथ ये पॉट भी आएगा. सो मैं अपनी सोच रही हूँ बाथरूम की कवर में रख लूँगी, इसको लगाते ही वो और सुंदर हो जाएगी, तो ये भी मैं ले रही हूँ. ओए होए ये देखो क्या दिखा, ये है बंक बेड. पता है बचपन में इतना मन होता था कि हमें बंक बेड्स दिए जाएं जिसके हम ऊपर सो जाएं, बट हमारे पास बचपन में बंक बेड नहीं थे. पर ये देखो यार कितना कितना सुंदर बंक बेड है. और ये कितना है, अरे सिर्फ 17,500 का है, मतलब एकदम एकदम रॉक सॉलिड बंक बेड लग रहा है. और इस पर ना अगर दो बच्चे होते तो एक ऊपर, जिसको ऊपर सोना होता है ना उसको ज़्यादा हवा लगती है, जो यहाँ बीच में अंदर सोता है ना उसको कम हवा लगती है. तो आपको क्या प्रेफर है, ऊपर सोना या नीचे सोना, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. वेलकम टू माई सिंड्रेला रूम गाइज. ये लड़कियों के लिए ना एकदम पिंक पिंक रूम बना है. यहाँ पे देखिए पिंक कलर का छोटा सा क्यूट सा बेड है और छोटे छोटे कबर्ड्स हैं. ये देखिए पिंक कलर का कबर्ड देख रहे हैं. अरे इसमें तो फ्रॉक्स भी है, मुझे नहीं लगता फ्रॉक्स इसमें इंक्लूडेड होंगे गाइज. और ये देखिए ये आपका ड्रेसिंग रूम, वाह बहुत जगह है. और सच्ची मतलब ये पिंक देख के ना इतना अच्छा लग रहा है. मेरे बचपन में तो पिंक कलर का बेड नहीं था, मेरा तो ब्राउन कलर का बेड था. ये देखो छोटी बेबी सोफा, छोटे छोटे बेबीज इसमें बैठेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे. और यहाँ पे अपनी डेकोरेशन कर सकते हो और यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करेगा. देखिए ABCD लिखी है ना, ये सारी याद होनी चाहिए आपको गाइस. एक चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग दिखी है मुझे, ये देखिए ये है एकदम बेबी सा बेड जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 7,000 रुपीज का, बट ये उसके ऊपर ये छतरी क्यों लगाई है यार, मतलब बिस्तर में हम कोई धूप में थोड़े ले जा रहे हैं, उसके ऊपर छतरी लगाई हुई. देखो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, आई थिंक ये डॉल्फिन है या कुछ तो शार्क होगी, मेरे ख्याल से तो शार्क है. यार ये बिस्तर कहीं बीच पे तो नहीं ले जा सकते, तभी ये छतरी भी लगी है ताकि सनबर्न नहीं हो और ये शार्क भी रखी इससे आप खेल सके. और ये देखो यहाँ पे ना आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे जार्स मिल रही है. देखिए ये है ऐसा ऐसे कांच का है गाइस, कांच का, इसमें रबर भी लगी है पूरी की पूरी, बढ़िया दिख रहे हैं. 100 रुपये में 4 पीस, ओह माय गॉड, मतलब ये एक पूरा सेट आप ले जा सकते हो. और इसके अंदर अपने इलायची लौंग, देखो महंगे मसाले रखना गाइस, ये कंटेनर अच्छे दिख रहे हैं ना, तो सस्ते वाले मसाले मत रखना, महंगे हाई क्वालिटी के मसाले रखना, आपके ख़राब नहीं होंगे गाइस. मैं यहाँ से वाइपर भी ले रही हूँ. वैसे 100 रुपये का एक है, सस्ता तो नहीं है, बट मैं बताऊँ इसकी रबड़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है. अगर आपको विंडोज ऐसे 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 साफ़ करनी है ना, तो बस शैम्पू वाला पानी डालना और जप 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 डाल देना, आपके सारे विंडो शीट एकदम साफ़ हो जाएंगे. वो क्या है सिर्फ 229 का, क्या सिर्फ 229 का ये पैन है. इसमें तो मैं सॉटेड वेजिटेबल्स बना सकती हूँ, ऑमलेट भी बना सकती हूँ यार, मतलब सिर्फ 230 रुपये का नॉन स्टिक पैन, ये तो एकदम क्लासिक डील है, कितना बढ़िया दिख रहा है वैसे. और एक चीज़ देखिए आपने, इनकी स्ट्रैटेजी देखी आपने, ये यहाँ तो सस्ते पैन लगा रखे बट इधर और उधर दोनों तरफ लगा रखे हाई क्वालिटी और एकदम महंगे पैन. ये देखो गाय जी कितना अच्छा सुंदर सा लग रहा है ना, ये ब्राउन कलर का कॉपर कलर का पैन. और ये तो है नहीं 1400 नहीं, यहाँ तो लिखा है 1890 रुपये. यार मतलब सस्ते पैन के बाजू में एकदम महंगा पैन, मेरे हिसाब से तो सस्ता वाला ही ठीक है. इसमें भी अच्छा सामान बन जाएगा जो महंगे में बनेगा. नहीं मुझे सब बनाना आता है, अपना तेल डालिए और बना दीजिए, नॉन स्टिक में तेल डाल के बनाना मज़ा बहुत आता है.
क्या गाइस, जब कभी भी आप नमकीन के पैकेट्स खोलते हो तो खोलने के बाद सारी की सारी नमकीन सीम जाती है, तो अब नहीं सीमेगी। देखो देखो यहाँ पे मिल रहे हैं ऐसे क्लिप्स, जिसको आप ऐसे जब आप पैकेट खोलोगे ना, खच 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 खच, उसके बाद ये क्लिप्स लगा देना, तो आपका ना नमकीन सीमेगा ना कोई नाश्ता वाश्ता सीमेगा। बट इसके अंदर एक बहुत अच्छी डील है गाइस, ये जो 10 क्लिप्स का पैक है ना, वो है 70 रुपये का। और गाइस ये जो 20 क्लिप का पैक है ना, वो पता है कितने का है? 30 क्लिप है। अच्छा, ये जो 30 क्लिप का पैक है ना, वो है सिर्फ 100 रुपए का। बट एक चीज है, ये थोड़े लंबे क्लिप्स हैं, बट ये थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स हैं। वैसे गाइस, सॉल्ट एंड पेपर तो हमारे खाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, तो अगर आपको उसके लिए बॉटल्स लेनी है तो ये देखिए गाइस, ये जो 4 बॉटल का सेट है ना, वो आपको पड़ेगा 150 रुपए का। वैसे दो ही काम आते हैं, सॉल्ट एंड पेपर का, ये बाकी दो किस लिए, इसमें क्या रखूंगी मैं यार, मतलब हाँ गाइस, अगर ये टूट जाए तो दो और काम आएंगी, तो ये है 150 रुपए का गाइस। और अगर आपको थोड़ा महंगा लेना है, जिसमें आपकी बॉटल तो कम हो जाती है पर पैसे बढ़ जाते हैं, तो वो ये आएंगी 200 रुपए की, सिर्फ दो है गाइस इसके अंदर। ये प्लास्टिक ही है। अच्छा, प्लास्टिक की होंगी वैसे, पता नहीं मुझे। और अगर आपको फ्रेश ग्राइंड करना है ना अपना सॉल्ट या फिर पेपर, तो उसके लिए आपको लेने पड़ेंगे ये ऐसे ऐसे ढूंढ, ये पता कितने के, एक ही 300 रुपए का। मुझे लगता है ना, मेरे हिसाब से मुझे और आप सबको भी ये वाला लेना चाहिए, सिर्फ 150 रुपए में आपको 4 बॉटल मिलेंगी। और नाश्ते वास्ते के अगर सुंदर सुंदर डब्बे लेने ना, तो ये देखिए भाई, ये तो खुल गया। अरे ये देखो, ये ब्लैक एंड गोल्डन, देखती हूँ बंद होता है कि नहीं ठीक से। हाँ, ये तो बंद हो गया, बट मुझे लगता नहीं इसके अंदर रबड़ नहीं लगी, तो ये एयर टाइट नहीं होगा गाइस। मुझे लगता है इसके अंदर नाश्ता सीम जाएगा, ऐसे टंग 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 आवाज करता है इसके अंदर। वैसे पत्थर या सिक्के डाल दो ना, वैसे डम 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 बजेंगे। सो गाइस, जब आइकिया में आप शॉपिंग कीजिएगा ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करेगा, क्योंकि प्राइसेस में ना बहुत ज्यादा वेरिएशन है, सिर्फ चकाचौंध पे मत चले जाइएगा। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, अगर आपको डिनर सेट लेना है ना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ टेम्पर्ड ग्लास का डिनर सेट, जहाँ पे ये जो प्लेट्स है ना, सिर्फ 60 रुपीज़ की ईच, तो 6 प्लेटें हो गई अप्रॉक्सीमेटली, कितने रुपए की, 360 रुपए की। साथ में यहाँ पे ये जो बोल्स हैं, वो भी 60 रुपीज़ ईच है। और अगर रोटी खाने के लिए साइड प्लेट चाहिए, तो वो भी 60 रुपीज़ ईच है। उसके बाद अगर आपको सर्विंग बोल चाहिए, तो ये है 150 रुपए का एक। तो ये सब मिला जुला के, अगर आपको 20 पीस का सेट बनाना है, 6 प्लेटें बड़ी, 6 प्लेटें छोटी, 6 कटोरी और 2 सर्विंग बोल, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगा 1400 रुपये का। देखा, 1400 रुपये में मैंने कितना बढ़िया डिनर सेट आपको बना के दे दिया। वहीं ये है मिक्स एंड मैच वाला सेट, वहीं अगर आप गाइस ये बना बनाया इनका डिनर सेट लोगे ना, तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा गाइस, ये पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपये का। ओ बाप रे बाप, इसीलिए दिमाग खोल के शॉपिंग करना, आँखें बंद करके शॉपिंग मत करना। मेरे हिसाब से था 1400 रुपये में जो डिनर सेट मिल रहा है ना, एकदम बढ़िया है। माइक्रोवेव सेफ है, डिशवॉशर सेफ है, तो मेरे हिसाब से मुझे तो ना वही पसंद आया, मैं वही लेके जाऊंगा। गाइस ये देख रहे हैं, एकदम बेबी बेबी पिंक, कितनी क्यूट सी ट्रॉली है ना। वैसे मुझे क्या लगता है, आइकिया ने ना इसके अंदर तो क्रॉकरी सजा रखी है, पर हम इसका क्या यूज करते हैं पता है, इसके अंदर हम रखते हैं आलू प्याज लहसुन। और इतनी सुंदर सी ट्रॉली के अंदर ना आलू प्याज कितने सुंदर दिखेंगे ना, ये पता कितने की, सिर्फ 2100 रुपये की। गाइस मुझे लगता है कि ये मुझे ले जानी चाहिए, क्योंकि मेरी लोहे की ना आलू प्याज की ट्रॉली टूट गई है। क्यों, एक एक कप चाय हो जाए तो चाय पीने के लिए। देखो मैंने क्लियर ग्लास के कितने सुंदर कप्स निकाले, देखो ये देख रहे हैं गाइस, ये कप ना 60 रुपीज़ का है, तो मेरे हिसाब से मुझे ये 6 तो ले ही लेने चाहिए। अब मैं आगे हूँ इनके इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में, जहाँ पे ये देखिए कितने सुंदर सुंदर लैम्प्स आपको दिखेंगे। ये स्पॉटलाइट वाले लैम्प्स हैं, ड्राइंग रूम में आप लगा सकते हैं, 1500 रुपीज़ के, ये 800 रुपीज़ के हैं। और अगर आपको स्टडी के लिए लैम्प चाहिए, तो बहुत सारी वेराइटी अवेलेबल है गाइस, ये अप्रॉक्सीमेटली 1700 के लैम्प्स हैं। और ये वाला जो लैम्प है ना, ये मुझे लगता है ये तो वहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आया, मुझे लगता है इसको खींचूंगी ना तो ये और आगे तक आ जाएगा, बड़ा लंबा लैंप है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे लगे हैं बहुत ही प्रिटी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल से शैंडलियर्स। एंड गाइस ये देखिए, ये वाला कितना ब्यूटीफुल है, एकदम आर्टिस्टिक है ना। वैसे दिखने में आपको ये मेटल का दिख रहा होगा, बट ये बना हुआ प्लास्टिक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली, अरे बाप रे, 3500 रुपए के, ये तो वाओ, दीज आर सो गुड। और ये कितना प्यारा है, वैसे ये भी ना, ये देखो मेटल का दिख रहा है बट है ये प्लास्टिक का। सो गाइस, ये है मेरा फेवरेट सेक्शन, मिरर सेक्शन। और यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ फ्रेम्स के मिरर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये राउंड मिरर है, हाई इसमें कितनी सुंदर दिख रही हूँ ना, चारों तरफ बस यहाँ पे मैं ही मैं दिख रही हूँ। और इन मिरर्स की स्टार्टिंग हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 4-5 हज़ार रुपये के मिरर्स हैं। अब इतने भारी मैं तो नहीं ले जा सकती गाइस, इसलिए देख कर ही खुश हो लेती हूँ, और बस देखते देखते आगे चलती चली जाती हूँ।
सो गाइस मैं हूँ अब इनके फर्नीचर सेक्शन में, जहाँ पे ये बहुत सारे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स हैं। बट एक बात बता दूँ गाइस, इनका जितना भी फर्नीचर होता है वो सारा का सारा MDF का बना हुआ होता है, तो ये ड्यूरेबल नहीं होता है लेकिन दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। अगर थोड़े टाइम के लिए फर्नीचर चाहिए हो ना तो आई कैसे ले लेना, और गलती से भी अगर इस पर पानी वानी पड़ गया ना तो ये फर्नीचर तो पूरा का पूरा ढह जाएगा। गाइस मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि अगर बच्चे बच्चे आपके घर में हो तो फर्नीचर आप लेना, क्योंकि वो तो बड़े कूदते फांदते हैं। अरे ये तो कलरफुल वाले पांच है, ओ हाय ये असली है, ये तो असली नहीं, नहीं गाइस ये भी नकली है, मुझे लगा असली है। तो ये देखो कितने क्यूट से फ्लावर्स वाले हैं ना, ये मुझे लग रहा है वैसे असली है। नहीं नहीं ये असली है नकली है गाइस फूल, नहीं नहीं असली है, इसमें तो स्मेल आ रही है। और ये गाइस वो नकली फूल देखते देखते असली भी जो है नकली समझ में आ रहा है। सो गाइस आइकिया के अंदर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अगर आपको खाना भी खाना है तो उसके लिए आपको शॉपिंग की तरह अपनी ट्रॉली निकालनी पड़ेगी। अब इसके अंदर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको गाइस क्या क्या खाना है। वैसे सैलेड तो मुझे नहीं लगता मुझे खाना चाहिए, ये तो मेरा फेवरेट सेक्शन हो गया गाइस, डिजर्ट सेक्शन। कौन सी चीज़ केक लूँ, क्या लूँ चीज़ केक। ओहो ओहो सबसे पहले तो चीज़ केक, सबसे पहली चीज़ मेरी फेवरेट। यार ये कांच की प्लेटें गिर तो नहीं जाएंगी ट्रॉली में से, रख दूँ यार, बड़ी डेंजरस सी लग रही है मुझे तो यार, ये रिस्की है, पता नहीं गिर ना जाए बस कहीं। नहीं नहीं सैलेड खाऊं क्या, चलो ले लेती हूँ भाई, सैलेड भी ले लेती हूँ यहाँ। ओके आई टेक वन सैलेड, पर यार ये कांच के बोल तो बड़े रिस्की लग रहे हैं। अरे इसके ऊपर तो ट्रे लगानी पड़ती है, हमने तो ट्रे ही नहीं लगाई है, कैसे बुद्ध बनाया हमको, मेरे कांच के बोल ही नहीं। गाइस देखो जल्दी जल्दी में ना मैं ट्रे लगाना भूल गई। इसके ऊपर पहले ट्रे लगानी पड़ती है, फिर ट्रे में खाना रखना पड़ता है। मैं सही सोच रही थी ना मेरा खाना ना गिर जाए कहीं। सो गाइस अब मैं आ गई उनके मेन कोर्स वाले सेक्शन में, जहाँ पे अगर आप स्वीटिश मील लेते हैं तो आपको पड़ेगी 150 रुपये की, और अगर आप लेते हैं इंडियन मील तो आपको पड़ेगी 250 रुपये की। तो मैं तो पनीर ही खाऊंगी, पनीर अच्छा होता है, पता नहीं है वेजिटेबल बॉल कैसे निकलेंगे। आहा कितनी बढ़िया दिख रही है, ओहो थैंक यू, गरम माँ गरम सूप, ये तो अच्छा दिख रहा है। और ओए होए 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 कौन ले लेती, ऊपर ऊपर दिख रहे मुझे तैरते हुए कौन गाइस। हाय फ्रेंच फ्राइज भी है, फ्रेंच फ्राइज भी ले लेती हूँ, बहुत सारा खाना खाऊंगी आज मैं, एक ले लेती हूँ भाई। एकदम एकदम गर्मा गर्म है और सच्ची मुच्ची, आप तो जाओ पीछे, चलो चलो अब बिलिंग करते हैं। सो गाइज माई लंच इज़ रेडी, यहाँ पे पनीर बटर मसाला है, सूप है, सैलेड है, और फ्रेंच फ्राइज है, और चीज़ केक और कुकीज़ है, इतना सारा खाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी पनीर बटर मसाला की, देखते हैं भाई कैसा बनाया है यहाँ आइकिया ने। ओके ग्रेवी टेस्ट करते हो, यार बड़ा अच्छा, एकदम स्पाइसी है, एक्चुअली काफ़ी स्पाइसी है बट मुझे अच्छा लग रहा है। सूप भी ट्राई करूँगी, मैंने लिया है स्वीट कॉर्न सूप, आपके पास चॉइस थी टमेटो सूप की भी। ये गाइस थोड़ा ठंडा हो गया, मतलब लाते लाते मुझे लगता है सजाते सजाते मेरा सूप ठंडा हो गया यार। चलो अभी अभी ठंडी चीज़ खाऊंगी, डिज़र्ट खाऊंगी, डिज़र्ट ये तो मेरी फेवरेट है ना। सैलेड मैं बाद में खा लूँगी, अभी टमाटर नहीं खाऊंगी, सैलेड लिया तो मैं खाऊंगी पहले इसका। हमें झंडा हटा दें, झंडा बड़ा लंबा चौड़ा लगा है। अब आएगी बारी चीज़ केक की, इधर से खाती हूँ। हाँ थोड़ा सा ये बेरी कॉम्पोट भी तो लगाऊँ, यार इतना बढ़िया चीज़ केक है। मुझे याद है मैं हैदराबाद वाले आइकिया में गई थी ना, वहाँ पे भी मैंने चीज़ केक खाया था, मुझे आइकिया का चीज़ केक पर्सनली ना बड़ा पसंद है। तो चलो अब जल्दी जल्दी मैं करती हूँ इसको ख़त्म, और आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस जल्दी से जाओ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट फ्राइडे, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग।